बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सेमीकंडक्टर्स पढ़ा थे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा था। आज सेमीकंडक्टर जो हमने कल पढ़ा था उसकी आगे दो टाइप्स कौन कौन से हैं। एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरी है एक्सट्रिंसिक। टू टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? द सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म, वो सेमीकंडक्टर जो किसमें होंगे, प्योर फॉर्म में होंगे, ये जिसमें अंदर कोई इंप्योरिटी शामिल नहीं होगी, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन वगैरह ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है, इनमें हमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं की, तो ये कौन से कहलाएंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ क्या होते हैं, होल होते हैं। लेकिन अब जहां रूम टेम्परेचर पर, कल आपने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर जीरो केल्विन होता है तो तमाम कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, इनके आखिरी शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से चार कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां होल क्रिएट हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर आपका बढ़ गया, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, उससे कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, जिससे इक्वल नंबर ऑफ क्या पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल पैदा होते हैं। और हर सिलिकॉन पे आपको पता है ये सिलिकॉन है, यहां बनाया गया मॉडल, ये सिलिकॉन, इस सिलिकॉन के आपको पता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोर्थ ग्रुप पे है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फोर्थ ग्रुप है तो फोर्थ ग्रुप से मिला जिसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, थर्ड से मिला जिसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ से मिला जिसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। जब ये प्योर है तो ये क्या करेगा, इसके नेबर में 4 और सिलिकॉन एटम पड़े होते हैं एट इक्वल डिस्टेंस, ये देखिए इसके नेबर में 4 और सिलिकॉन पड़े होंगे जो से इक्वल डिस्टेंस पर पड़े होंगे, वो क्या करेगा, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड, बाकी भी इसके हैं वो शो नहीं हो रहे, मैंने ये नहीं करना था, कर लेंगे, देखें एक इधर चले गए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इससे के 1 इधर है, ये 2, ये 3 और ये 4, इसका भी 1 शेयर कर गया, ये 2, ये 3 और ये 4 एंड सो ऑन। ये देखिए इस सेट में क्या कि अपने नेबर में इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो 4 और सिलिकॉन एटम पड़े थे उनसे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, ये देखें ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आखिरी शेल में 8 है। जब आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इसकी कौन सी क्लास, ये स्टेबल स्टेट, ठीक है ना, तो ईच इलेक्ट्रॉन एटम हैज 4 इक्विडिस्टेंट नेबर और ईच एटम शेयर्ड अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वही शेयर होते हैं, तो ईच एटम शेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ, फ्रॉम इट्स नेबर, वो अपने नेबर के साथ शेयर करता है, ठीक है ना, एंड कंप्लीट द ईच एटम कंप्लीट द एक इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोशन, तो दिस स्टेट इज कॉल्ड द स्टेबल स्टेट। अब आ जाए एक लफ्ज है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, एडिंग ऑफ इंप्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एडिंग ऑफ impurity in the intrinsic semiconductor is called doping। यहां जो ये बना हुआ आपके पास इसमें क्या है, ये सेंटर में सिलिकॉन पड़े, इसके नेबर में जो 4 और सिलिकॉन एटम पड़े हैं, तो क्या करता है ये सिलिकॉन इसके वैलेंस शेल में
फोर इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने नेबर में चार और जो सिलिकॉन आइटम पड़े हैं उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, देखिए ये कोवलेंट बॉन्ड बना, ये कोवलेंट बॉन्ड बना, ये कोवलेंट बॉन्ड बना, ये इसने आपने आठ मुकम्मल किए। तो ये किसकी पिक थी? ये थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक क्या? अ सेमीकंडक्टर इन इंप्योर फॉर्म जिसमें आपने इंप्योरिटी शामिल की होगी। अगर आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ही इंप्योरिटी को ऐड कर देते हैं तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है ना। आप कंडक्ट सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी इज एडेड इनटू लेटर ऑफ दिस में आएगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इन सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हमारे पास कंडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब है एक्सट्रिंसिक, एक है एक्सट्रिंसिक और एक है इंट्रिंसिक, लेकिन क्योंकि हमने इंप्योरिटी ऐड की है तो इसकी एग्जांपल क्या दी है? दो जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आपके पास जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें इंप्योरिटी ऐड हुई है, इंट्रिंसिक के अंदर इंप्योरिटी ऐड की है तो उसका नाम एक्सट्रिंसिक बना है। अब डोपिंग किसे कहते हैं? एडिंग ऑफ इंप्योरिटी in the intrinsic semiconductor in the ratio of 1 to 10 for 6 atoms, doping. So doping kise kehte hai? Adding of impurity in the intrinsic semiconductor in the ratio of 1 to 10 power 6 atoms is called doping. आगे होल डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल, डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टलिक एटम इज कॉल्ड होल, इज कॉल्ड होल। अभी हम पढ़े थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आगे भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी फिर दो टाइप्स है, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की फिर आगे टू टाइप्स है, पी टाइप और एन टाइप। ये मैटर में भी पहले आपने पढ़ा हो, अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से हुए। एन टाइप सेमीकंडक्टर
सेमी कंडक्टर। देखिए हमारे पास जो बेस हमने क्रिस्टल लेना है वो फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है। फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट है वो हमारा बेसिक क्रिस्टल होंगे। उसी के अंदर इंप्योरिटी के तौर पर ऐड करते हैं या तो हम ट्राइवेलेंट ग्रुप ऐड करते हैं थर्ड दैट इज थर्ड ग्रुप, या हम पेंटावेलेंट ग्रुप ऐड करते हैं दैट इज फिफ्थ ग्रुप। ठीक है, अब सिलिकॉन के जर्मेनियम के अंदर जब हम थर्ड ग्रुप को ऐड करेंगे तो सिलिका जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप से रिलेटेड है, इसका उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फोर इलेक्ट्रॉन होंगे। और उसके साथ जब हम क्या करेंगे थर्ड ग्रुप लाते हैं उसके ऑप्शन में तीन इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फोर प्लस थ्री सेवन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है, तो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी रह जाएगी वो पी टाइप होगा। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ ग्रुप को बेस मटीरियल इसके साथ अगर फिफ्थ ग्रुप मिलाते हैं पांचवें ग्रुप, तो फोर्थ ग्रुप के ऑप्शन में चार इलेक्ट्रॉन पेंटावेलेंट के फाइव, फोर प्लस फाइव नाइन इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे हमारे पास? एट इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? एन टाइप। इसको हमने इंप्योरिटी ऐड करनी है। इफ द एड द इंप्योरिटी ऑफ पेंटावेलेंट ग्रुप टू ए टेट्रावेलेंट ग्रुप then the n types of cell form. When the silicon or germanium is doped, किसको? या तो आप silicon लें या फिर आप क्या लें? germanium लें। कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? ये है हमारे पास फोर्थ ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप है। इसके अंदर आपने कौन सा ऐड कर दिया? फास्फोरस ऐड कर दें। ये कौन से ग्रुप के आर्सेनिक और फास्फोरस? ये किस ग्रुप के है? ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट है। तो जब आपने पेंटावेलेंट ग्रुप इज एडेड इनटू द टेट्रावेलेंट ग्रुप, या व्हेन अ फास्फोरस दैट इज पेंटावेलेंट ग्रुप इज एडेड टू सिलिका जर्मेनियम, देन एन टाइप मटेरियल फॉर्म। तो अब कैसे बनेगा? We add the impurity of pentavalent group to the tetravalent group, then the n-type semiconductor form. For example, phosphorus जो है, ये fifth group का element। जब मैंने कहा fifth group element है, तो इसके valence shell में कितने electron होंगे? Five electron। ये देखिए, ये हमारे पास आ गया a, ये दो, ये तीन और ये चार, ये है फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये है पेंटावेलेंट ग्रुप इज एडेड इनटू द फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप मेन एलिमेंट है जो सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन। तो अब हमने क्या किया? फिफ्थ ग्रुप को फोर्थ ग्रुप के अंदर ऐड किया। अब ये क्या करेगा? इसमें आपने ऑफिशियल में आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले, इस सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए इसके नेबर में जो चार सिलिकॉन एटम पड़े थे उनके वैलेंस शेल से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये आपने क्या चार कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। इसके आखिरी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, हमें आठ ही चाहिए थे, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री हो गया क्योंकि इसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना, ये अनबॉन्ड। इसमें देखिए मेजॉरिटी किसकी होगी? इसमें इलेक्ट्रॉन की होगी क्योंकि बाकी सारे कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बचा है। तो व्हेन अ पेंटावेलेंट ग्रुप इज एडेड टू द टेट्रावेलेंट ग्रुप दैट द एन टाइप मटेरियल फॉर्म, तो एन टाइप मटेरियल में आपके पास मेजॉरिटी कैरेक्टर क्या होगी? ये हो गया एन टाइप। एन टाइम में मेजोरिटी कैरियर